अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 द वाटर एंड द टॉपिक इज यूज़ ऑफ वाटर। आप क्वेश्चन राइट करेंगे, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। सो यूज़ वाटर इन होम्स, एग्रीकल्चर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर सोर्स ऑफ एनर्जी और इंडस्ट्रीज। यही पॉइंट्स हम इसके एक्सप्लेन करेंगे। पीपल इन पाकिस्तान यूज़ वाटर इन होम्स, एग्रीकल्चर टू एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन इंडस्ट्री। नंबर वन, इन होम्स हम वाटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं जी? वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रशिंग टीथ, कुकिंग एंड मोस्टली वी यूज़ वाटर इन किचन। तो घरों में ज़्यादातर पानी जो जिन जगहों पे इस्तेमाल होता है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, और सबसे ज़्यादा किचन और वॉशरूम में यूज़ होता है। सिमिलरली यूज़ ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चर, प्लांट्स नीड टू ग्रो, पौधों को ग्रो करने के लिए, अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो एग्रीकल्चर में जो किसान होते हैं वो तकरीबन 88% वाटर यूज़ करते हैं अपने खेतों, अपनी फसलों को ग्रोथ के लिए। सिमिलरली यूज़ ऑफ वाटर इन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली पानी से जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वाटर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये है हमारे पास डैम के ज़रिए। अगर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डैम बनाने पड़ते हैं। डैम में एक बहुत वाफर मकदार में हमारे पास पानी स्टोर होना चाहिए, और ये एक लेंथी टॉपिक होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि सर आप डैम वाले प्रोसेस से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज़ यूज टू मूव प्रोपेलर्स ऑफ टर्बाइंस। तो जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपका जो टर्बाइंस होता है उसके प्रोपेलर्स जो होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको वो मूव करते हैं। टर्बाइंस इन टर्न रन जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये घूमती हुई टर्बाइन जो होती है जनरेटर्स को रन करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। देयर आर 5 मेजर एंड सेवरल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 5 बड़े जबकि बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ यूज़ वाटर इन अ नंबर ऑफ वेज। ये कई तरीक़ों से, जैसे एज इट इज़ आप कह सकते हैं तकरीबन घरों में जिस तरह आप वॉशिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट की सफाई के लिए, फर्श क्लीनिंग के लिए तो वाटर यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह हम इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर यूज़ करते हैं। वाटर में हम इंडस्ट्री में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारी मशीन्स होती हैं, उनकी वॉशिंग के लिए, फ्लोर्स की वॉशिंग के लिए, ईच एंड एवरी थिंग की वॉशिंग के लिए, इवन प्रोडक्ट्स में यूज़ के लिए भी हम इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ करते हैं। लाइक फैक्ट्रीज यूज़ वाटर टू क्लीन एंड वॉश मेटल सरफेस को सफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्सेस, ऑयल रिफाइनरीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ वाटर फॉर द कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, क्लास ये आपने याद करना है। एंड सबसे अहम आपका जो इस चैप्टर को रीड करने का मकसद है वो ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है, हाउ टू कंजर्व वाटर। हम पढ़ चुके हैं कि पानी कहाँ कितना पाया जाता है पर इस अर्थ पर, और इसमें से कितना हमारे इस्तेमाल में है। उसके बाद हम इम्प्योरिटीज़ पढ़ चुके हैं, इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के प्रोसेस पढ़ चुके हैं, यूज़ पढ़ चुके हैं। तो अहम चीज़ आती है कि हम पानी को कैसे महफूज कर सकते हैं या पानी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपने पॉइंट्स याद कर रहे हैं। नंबर वन, टर्न ऑफ द टैप। आपने जब ब्रश या कर रहे हो तो आपने जो नल होता है उसे बंद करना है। नंबर सेकंड पर वो बताते हैं जी वेजिटेबल्स वगैरह या कुछ भी दोनों बाउल के अंदर रख कर धोएं। थर्ड पर वो बता रहे हैं जी आप बहते हुए पानी में बर्तन ना धोएं बल्कि एक अलहदा बर्तन में पानी लेकर उसके साथ अपने जो बर्तन वगैरह हैं, डिशेज़ हैं, उनको वॉश करें। नेक्स्ट, ओनली यूज़ वॉशिंग मशीन विद फुल लोड। वॉशिंग मशीन जब आप यूज़ करें, कपड़े धोने वाली मशीन, तो उसमें मैक्सिमम कपड़े धोने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव अ लॉन, वाटर इन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द आफ्टरनून सो द सन वुड नॉट एवेपोरेट द वाटर। अगर आप मुमकिन हो सके तो अपने लॉन, अपने बगीचे को सूरज तुलवे आफ्ताब और गुलवे आफ्ताब के बाद पानी दिया करें। इससे पानी जो होता है वो बुखारात में कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है जी, चेक रेगुलरली द लीक्स इन वाटर पाइप्स। अपने घरों में जो पानी के कनेक्शन हैं उनको डेली रूटीन पर चेक करें, अगर वो लीक है तो उन्हें दुरुस्त करवाएँ।
तो ये क्लास आपका लेक्चर है। उर्दू मीडियम वालों ने आपने भी एज इट इज़ याद करना है जी। पानी के हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल तीन है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। और अहम आपका पॉइंट होगा जी पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया एज इट इज़ आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास हम ये पिक्स हैं जो आपको वाजह करते हैं जी। एवरेज वाटर यूज इन होम टॉयलेट लिखा हुआ 28% बात है, शॉवर है, टॉयलेट लीकिंग है, फैक्टर्स ठीक है, ये सब भी आपने डिशिंग या बर्तन धोने के लिए वॉशिंग मशीन के लिए 22% वाटर एज यूजल हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में घरों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह इन एग्रीकल्चर्स वाटर आर यूज टू ग्रो द प्लांट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें डैम्स की ज़रूरत होती है, डैम्स तमीर करते हैं जिसमें हमारे पास वाटर स्टोर करने की एबिलिटी हो। थैंक यू सो मच क्लास हम आज।